जो कभी अपने लक्ष्य को पाने में रुका नहीं, जो ईमानदारी के चलते किसी से डरा नहीं। आंधियां बहुत आई रोकने कदमों को, मगर उनके विश्वास, ज्ञान और धैर्य के सामने टिका नहीं। संघर्ष के साथ शिखर की कहानी, श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल, फाउंडर चेयरमैन ऑफ अग्रवाल ग्रुप। मेरी जीवन यात्रा, व्यवसायिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा एक बहुत ही अलग परिवेश में, अलग वातावरण में अलग चीज हुई है। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ। पिता का संघर्ष देखते हुए 8 साल की उम्र में मैं अपने आप को जिम्मेवार महसूस करने लग गया, और पिता का संघर्ष, पाकिस्तान में सब कुछ था पर अचानक पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उस दौरान में भारत आना हुआ, और आने के बाद कलकत्ते में पिता का संघर्ष रहा। उस संघर्ष के दौरान ही मेरा जन्म हुआ। वहाँ से 8 साल 7 साल की उम्र में मैंने वैन भी चलाई, जो लगेज वैन होती है वो भी चलाई। उसके बाद रोहतक में, जो हमारा जो पंजाब में था उस समय, अभी हरियाणा में है, उस समय 1.5 साल पैतृक जो संपत्ति हमारे दादा परदादों की थी वहाँ भी मैंने 1.5 साल बिताया, और 1.5 साल के बिताने में मैंने वहाँ कक्षा 8वीं भी पास करी पंजाब बोर्ड से। कलकत्ते से कक्षा 4 पास करके आया था, सीधी 8 करी प्राइवेट में, फिर इंदौर में आगमन हुआ। तो पहला स्टार्टअप, आज तो हम स्टार्टअप की बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत सारे युवा नव युवा सब स्टार्टअप में लगे हुए हैं, तो मेरा जो स्टार्टअप था वो उस समय की 9 साल की उम्र में स्टार्ट हो गए। स्टार्ट मतलब क्या, उसने पूछा करेगा काम, करेगा कर लेंगे, ये भी नहीं पूछा क्या काम है, ये भी नहीं जाना कि कितने बजे से कितने बजे तक का काम है, ये भी नहीं जाना कि क्या सर्विस सैलरी मिलेगी, पर करना है। कब से? अभी से ही। उसमें क्या मुहूर्त निकालना, तो हम स्टार्ट हो गए। अब स्टार्ट से फिर जैसे जैसे 2-4 दिन में, 10 दिन में हमने उस काम को समझा और अपना काम समझकर उसमें काम किया, तो उसमें जो एक ट्रक वालों की जो एक दीन स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी, कोई उन पर भरोसा नहीं करता था, कोई ये नहीं करता था, कोई डीजल उधार नहीं देवे, कोई इंश्योरेंस उधार नहीं करें, ऐसा कोई टायर उधार नहीं देवे, और उनकी कोई बहुत अच्छी पोजिशन नहीं थी। तो मेरा ये पहला ही एक तरह से प्रोजेक्ट था, पहला ही मेरा क्रिएशन था, बिजनेस था, व्यापार था, नौकरी थी, जो भी था उसमें ये था कि भी जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं उनका कैसे अधिक से अधिक हित कर सकूं, कैसे अधिक हित कर सकूं। तो सबसे पहले मैंने किसी RTO एजेंट को बुलाया, उनके सारे जितने भी 50-100 ट्रक थे, 40-50 ट्रक, उनके सब परमिट, इंश्योरेंस, फिटनेस, ये सब कंप्लीट करवाए कागज़, ताकि उनको कहीं भी टेक्निकली लीगली कहीं कोई दिक्कत नहीं आवे। ज़्यादा राजस्थान, गुजरात और MP में लाइन थी, और वहाँ पर ये करते करते फिर ये हुआ कि भी इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम ये कहें कि पहला क्रेडिट कार्ड भी मेरा स्टार्ट हुआ 1967 में। क्रेडिट कार्ड बोले तो क्या, मैं एक अपना पर्सनल नंबर कार्ड देता था कि ये ट्रक इस नंबर की, ये मालिक, ये ड्राइवर, ये मेरे साथ अटैच है इस महीने, इस साल के लिए। वो कार्ड मेरे साइन करा हुआ मैं देता था, हर महीने कार्ड चेंज करना पड़ता था ड्राइवरों को, क्योंकि उसका कुछ शुल्क था, उस शुल्क के पीछे बहुत सारी दूसरी सुविधाएं भी थी। तो ये पहला अगर मैं कहूँ तो क्रेडिट कार्ड मेरा बाज़ार में आया। अब तो क्रेडिट डेबिट पता नहीं कितने कार्ड आ गए, लेकिन ये स्वयं आयोजित मेरा कार्ड था, और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई।
उसके बाद लोगों ने उधार भी लेना शुरू कर दिया और धीरे 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 अब 3 साल 2 साल में एक काफ़ी खुशी आ गई ट्रक ड्राइवरों में, मोटर मालिकों में, एक इज्जत मान सम्मान उनका हो गया। तो उनका एक ट्रांसपोर्ट में एक चलन होता है चाय पानी का कि भी चलो चाय पानी दो, मुंशिया ना दो, एक तरह से इनडायरेक्ट डायरेक्ट में ब्रेक दो। पर पता नहीं क्यों ईश्वर की कृपा थी, माँ बाप की ऐसी ट्रेनिंग थी, पिता की खुददारी थी, या मेरा कुछ अपना जीन्स होगा, अपनी लाइफ होगी, वहाँ मैंने कहा नहीं थी। बार 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 कि नहीं ये चाय पानी, मैंने कहा नहीं चाहिए। क्यों क्यों बाबूजी क्यों, मेरे बाबूजी बोलते 10 साल की उम्र, 9-10 साल बाबूजी क्यों नहीं चाहिए, बोला ना नहीं चाहिए। पर क्यों, मैंने कहा तुम ये सोचते हो कि 5 रुपये 2 रुपये तुम मेरे को ये दे दोगे चाय पानी का, मुंशिया ने कहा तो मैं तुम्हारा अलग से भला कर दूँगा, भूल जाओ इस बात को, भूल जाओ, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा नुकसान कर दूँगा, इस बात को भी भूल जाओ, तुम तो मेरे नियमों के अंतर्गत चलो। नियम में चलना जरूरी है कि 200 ट्रक हैं, धीरे धीरे वो 600 ट्रक पे पहुँच गए। अब 600 ट्रक में मुझे रोज़ 50-100 ट्रक भर के भेजना थे, मेरी जिम्मेवारी हो गई पूरी, और अच्छे से अच्छा उनको भाड़ा मिले, अच्छे से अच्छा काम मिले। तो उसमें रात दिन में सुबह से लेके 100-150 किलोमीटर साइकिलिंग भी करता था, डेली लावरिया भेरू जाता था, धार मंडी, नौलखा जाता था, छवनी मंडी में जाता था, यहाँ तो ऐसे करके 50-100 ट्रक मुझे रोज़ भरने होते थे। तो साइकिलिंग से जाता था, खूब साइकिलिंग करी इंदौर में, 40-50 किलोमीटर पर डे मैंने साइकिलिंग करी होगी, और बहुत आनंद आता था, बहुत फील अच्छा लगता था कि नहीं कुछ काम कर रहे हैं, कुछ जिम्मेवारी है। अब उसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने मोटरसाइकिल दे दी, 15-16 साल की उम्र तक बुलेट चलाई। अब उसके अंदर भी चलाना भी सीखा, किसी ने सिखाया, हाँ अब वहाँ फिर काफ़ी करता था। धीरे 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 जब लोगों ने कहा कि इसको ख़रीदा नहीं जा सकता, इसको प्रलोभन नहीं दिया जा सकता, पर यह है कि मैं अपना काम करता रहा, तो टार्जन ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाया मैं। टार्जन क्या है, मैं देखा जाए तो मैं तो मोगली की तरह जिया, सरदारों के बीच में एक मार्शल कॉम में मेरा एक तरह से परवरिश हुई, ज्ञान हुआ, और एक बड़ी मार्शल कॉम है, उस मार्शल कॉम से बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में सीखा भी है। अब अल्टीमेटली अगर वो आगे बढ़ते गए, पता नहीं क्या हुआ, एकदम अचानक 5 साल एडजेक्ट हुए थे, किसी बात पे उन्होंने कोई बात कह दी और मैंने उठा के रिजाइन दे दिया। क्या हो गया, मैंने दे दिया रिजाइन। बोला नहीं ऐसा कर देंगे, पार्टनरशिप दे देंगे, ये दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, छोड़ दिया। मतलब किसी को ये पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कैसे मैं अचानक छोड़ दिया। अब उसमें छोड़ के जब उनका हिसाब फाइनल कर लिया, और उसके बाद पहली बार 5-6 साल में घर पे दोपहर को पहुँचा, और मैंने माँ को कहा माँ आज मैं उठाना मत मेरे को, आज रेस्ट करूँगा, हाँ सब मुक्त हो गया हूँ 5-6 साल में। बोले ठीक है। 4-5 बजे छोटा सा घर था हमारा प्रेमनगर में 2 कमरों का, तो बहुत सारे सरदार नीचे कॉलोनी में आए, तो सब बच्चे भागते हुए पुरुषोत्तम को ढूंढ रहे। तो माँ घबरा गई, क्या हुआ। तो बोला नीचे मजा। मैंने कहा माँ घबराए मत, तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मुझे डर लगे। अब इतनी भी जगह नहीं है कि हम किसी को ऊपर रूम में बुलाएं, हाँ 1-2 लोग ही नहीं आ पाएंगे, तो इतने सारे तो आएंगे कहाँ से। अल्टीमेटली जो है मैं नीचे गया। अब उन्होंने कहा कि हमने तेरे साथ ट्रांसपोर्ट खोलनी है। क्यों खोलनी है, बस खोलनी है। तो 75% ग्रुप टूट के मेरे साथ आ गया, 50% पार्टनरशिप में। चलो ठीक है, तय हो गया, वो ट्रांसपोर्ट खोल दी। 4th दिन वो ट्रांसपोर्ट चालू कर दी। वो एक अलग बात है, पुराने वाले से वो नहीं संभाल पाए, 1-2 महीने वो बंद भी हो गई और मेरी चल पड़ी। इस बीच में थोड़ा काम चलते चलते काम कम हो गया, जहाँ मैं रोज़ 100-150 गाड़ी भरता था, हाँ तो वो 10-20 गाड़ी हो गई। तो मैंने पूछा इनसे कि भी कहाँ जाते हो, बोला परासिया MP में छिंदवाड़ा।
तो मेरा सही कैरियर तो इंदौर से, और इंदौर के बाद परासिया छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ ये कैरियर की बात करते हैं हम, हाँ तो वहाँ से मेरा ये शुरू हुआ। अब वहाँ पर जो है सब जा रहे हैं, क्यों, कोयला, कहाँ जा रहा है कोयला, अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या है, मिलों में जाता है, वहाँ से क्या करते हैं, नमक लाते हैं, कहाँ से, झंझुवाड़ा से, पाटरी से, कहाँ का, भोपाल का, विदिशा का, इंदौर नहीं आते। तो हमने कहा भाई सब इंदौर वहाँ जा रहे थे, हम भी चलते हैं। मैं भी बैठ के एक वो चला गया, साथ में एक लड़का सा रख लिया, हाँ हेल्पर जैसा, और एक टेबल और चार कुर्सी रख ली छोटी, हाँ चला गया, बिल्टी रख ली अपनी कंपनी की, चलान रख लिया। अब ये भी नहीं मालूम था क्या करूँगा, पर चलो यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो वहाँ चलते हैं, सब पर ऐसे जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। अब ट्रक में बैठ के गया, रस्ते में ढाबे हैं, होटल हैं, बेरियल हैं, और हैं, दुनिया भर के ट्रक में वो जगह जगह मिले, सब कहाँ घूम रहे हो बाबू जी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, परासिया। अच्छा परासिया में क्या करोगे, मैंने अपनी ट्रांसपोर्ट खोलेंगे, तुम क्या सपोर्ट करोगे। सब ने कहा बाबू जी सवाल ही नहीं पता, ब्लाइंक सपोर्ट, हाँ हाँ, क्योंकि आपने कभी तो मांगा नहीं। पहली बार ये मुझे एहसास हुआ कि 6 साल की जो एक ऑनेस्टी का जो वे था वो कितना बड़ा फलीभूत हो सकता है। और वहाँ गए, एक झाड़ के नीचे बैठ के मैंने वो चालू करा, और पहले दिन ही 400 ट्रक भरे वहाँ पर, हाँ 400 ट्रक भरे, विश्व कीर्तिमान बन गया कि दोपहर को सुबह आया है कोई बच्चा और 4 बजे तक जो है मतलब 400 ट्रक भरने चले गए। हाँ तो ऐसी जो परिस्थितियाँ बनी तो ये समझ में आया कि ऑनेस्टी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और मैं शुरू से ही पता नहीं मेरे क्या दिमाग में था, अब वहाँ से आया और वहाँ पता चला कोल का शुरुआत हुई, वहाँ ही अग्रवाल कोल कारपोरेशन, अग्रवाल ट्रांसपोर्ट का जन्म हुआ। फिर उसके बाद वहाँ भी जो पार्टनरशिप में था वो जो सरदार, मेरे पार्टनरशिप कभी फली ही नहीं, तो वो मैंने उठा के उसको कोई बात हुई तो मैंने भरी भरी ऑफिस उनको छोड़ दिया, और छोड़ा और मोटरसाइकिल से निकला। रास्ते में मेरे एक मित्र मिला तो बोला यार ये तेरा ही ऑफिस है, हाँ तो उसने आधे घंटे मेरे को वेलकम करके उसकी चेयर पे मुझे बिठा दिया, बोला ऐसे हो गया तेरा ऑफिस, हाँ वहाँ से अपना कोल और ट्रांसपोर्ट की यात्रा शुरू हुई। बाई रोड हम काम करते थे, पहला ट्रक हमने छोटी छोटी टेक्सटाइल मिल, ऑयल मिल, ये इस तरह से छोटी छोटी इंडस्ट्रियों में कोयला सप्लाई करा। तो उसमें ये था कि घर बैठे टोटली गुड क्वालिटी कोल देंगे, उसके लिए मेरे को कोयला डिपो बना के देवास नाके पे, और मैं खुद हाथ से भी छांटता था, पत्थर निकालता था, उसमें बिच्छू भी थे, लेबर बोलते थे बाबू जी बिच्छू है इसमें आप चलिए, और मैं तुमको भी तो काटते होंगे, मुझे काट लेंगे, हाँ तो वो मेरे हाथ भी गल गए थे, गिलास उठाते नहीं थे चाय का। पर ये उनको ट्रेंड किया, मैंने अपने एक दो स्टाफ को भी ट्रेंड किया कि एक भी पत्थर नहीं जाना चाहिए, एक भी ये नहीं है। वहाँ से कोल की शुरुआत हुई, कोल आगे बढ़ता गया, फिर धीरे धीरे दूसरे इंडस्ट्रियों में रेपुटेशन बनती गई, आगे बढ़ते गए। फिर यहाँ से हम राजस्थान की तरफ गए, राजस्थान से और दूसरे स्टेट में गए, फिर बाई रोड हम कई स्टेट में गए, फिर छत्तीसगढ़ में भी गए, छत्तीसगढ़ से भी कोल लाए, छत्तीसगढ़ के बाद हम इधर बिहार झारखंड में भी गए, रांची इधर उधर से भी कोयला लाए, इसके बाद और स्टेट में गए हम, धीरे 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 8-10 स्टेट में हमारा बाई रोड कोयला शुरू हो गया। उसके बाद ये हुआ कि इम्पोर्टेड कोल क्वालिटी अच्छी आती है और सस्ता पड़ता है, फिर हम इम्पोर्टेड कोल में गए। एक हमारा पुराना मित्र था, उसको मैंने पूछा, बोला मैं आपको मेरा 50 करोड़ 100 करोड़ की कैपेसिटी है, इतने जहाज हैं, ये सब मैं सरेंडर करता हूँ आपको। मैंने सर क्यों कर रहा है, बोला आपको मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। क्या जानता है अभी तुम्हारे बारे में, बोला मैं ये जानता हूँ कि आप अनजस्टिफाइड नहीं है, तो हम एक मिल के काम करेंगे, और आपके पास मार्केटिंग है और मेरे पास बाकी साधन है, ठीक है अभी मिल के करेंगे। वहाँ से इम्पोर्टेड कोल में शुरुआत हुई, फिर हम उसके थ्रू करते थे, बाद में हम लोग CIF खरीदने लगे, CIF में बड़े बड़े डिलीवर खरीदते थे, पार्टली भी लाते थे,
पहले एक पोर्ट में मगदला में आए, फिर दूसरी पोर्ट खुली, ऐसे धीरे धीरे ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की तमाम दुनिया भर की पोर्टों में हमारे कोयला डिस्चार्ज होता था। फिर वहाँ से हम रेल कम रोड कम सी फिर शुरू हुआ कि भी अब वो ट्रांसपोर्ट तो था ही। मेरा अनुभव पूरे भारत के 52 नेशनल हाईवे मैं सेल्फ ड्राइविंग से घुमा हूँ। उसके बाद फिर ये हुआ कि रेल से भी कोयला जाएगा, भाई रेल का भी कोयला जाएगा, तो साउथ और ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ये जितनी भी रेलवे थी वो सब रूट मेरे दिमाग में आ गए कि कहाँ से कौन सा माल जाना है, कहाँ से साइडिंग से पोर्ट से लाए, साइडिंग पे लाए, ये पोर्ट फिर साइडिंग पे लाए, साइडिंग से रैक लोड करी। तो ये दिमाग में चलता रहा पूरे देश का, एक तरह से फॉरेन में ये कोयला लाना या देना, तो छोटी इंडस्ट्री हो बड़ी इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल हो, रेयान हो, पावर हो, सीमेंट हो, सब में वो काम होते चले गए और कोल में हम बहुत अपना एक मुकाम हासिल करते गए। अभी कुछ दिन पहले ही 50 साल का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन इंदौर में मनाया गया और 50 साल मेरे वो कोल में हुए। कोल की जर्नी 50 साल की, इसके पीछे मेन महत्वपूर्ण बात है भरोसा, विश्वास। हमने कभी भी किसी का इंडस्ट्री का विश्वास नहीं तोड़ा। जो क्वालिटी कमिटमेंट किया, जो डिलीवरी कमिटमेंट किया, वही माल दिया, नहीं हुआ तो नहीं दिया। जिनसे हमने लिया उनमें विश्वास पैदा किया और विश्वास पैदा करने के बाद आज हम स्कूल में एक इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं और खूब अच्छे से काम चल रहा है। इस बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें आई, बीच में कोल में मंदी तेज़ी भी आती थी, तो हमने फिर गोडाउंस बनाए जगह जगह, नागपुर इंदौर और जगह बहुत सारे गोडाउंस बनाए, कुछ बेब्रिज बनाए, कुछ इसके अलावा ट्रक फाइनेंस का काम शुरू किया, फिर उससे ताकि एक रेगुलर जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो मीट आउट होते रहें। कोल तो क्या है, कभी सीजनेबल है, कभी कम चलता है, कभी ज़्यादा चलता है, तो बहुत सारे नए नए फील्ड हम खोलते चले गए। एक फिक्स इनकम सोर्स भी करते रहे, सेविंग साथ की साथ करते रहे। ये करते करते फिर हम रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने लग गए, ऐसी फेयर जगह, फेयर डीलिंग, फेयर काम, ये करते करते आज रियल इस्टेट में भी एक बड़ा ग्रुप का एक नाम है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, कॉलोनी से लेके, बिल्डिंग से लेके, फ्लैट से लेके, बहुत सारे हैं। फिर साथ साथ हम उसके अंदर जो लैंड्स लेते थे रियल इस्टेट में, जो लैंड बैंक था, उसमें हमने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए और भी बहुत सारे न जाने कितने एजुकेशन में आ गए। तो वो सब जो है एक तरह से जीरो लाइबिलिटी रहते हुए करते गए। फिर साथ में भाइयों को तैयार करता रहा, चार भाई और तैयार हुए, उनको अलग अलग जिम्मेवारी दी। एक समय ऐसा भी आया कि ये धन ले, ये सामान ले, ये ले, अब तू तेरा देख और आगे बढ़, आगे बढ़। फिर उसके बाद ये भी चलता रहा दौर 20-25 सालों। अब ये लोग बोलते हैं तुम छोड़ कैसे देते हो। मैं छोड़ता इसलिए हूँ कि सर्जन और विसर्जन मेरी लाइफ में दोनों पार्ट है। सर्जन करना है और फिर विसर्जन करना है। विसर्जन मतलब छोड़ दिया, छोड़ दिया मतलब दिमाग का वजन हल्का करना। जो भी काम करते हैं एक अच्छी नीति, अच्छी नीयत और दूसरों का भला हो, साथ में दूसरों का फायदा हो। दूसरों का फायदा होता है तो हमारा फायदा उसमें समाहित है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आती रही। जब इंडस्ट्रियों में काम करता था और करता था तो लोग बोलते थे मिस्टर अग्रवाल आप पढ़े लिखे हैं, तो मैं बोलता मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, बताओ इसका मतलब क्या है। कई लोग डिबेट करने लग जाते थे, आप बड़े टाइकून हैं, आप बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े ग्रुप के चेयरमैन हैं, कैसी बात करते हैं। मैंने कहा अनपढ़ अंगूठा छाप में, तो मुझे नहीं समझ में आती तो मुझे समझाओ, जब तक नहीं समझ आएगी मैं हाई नहीं भरूँ। हाँ, तो वो अंगूठा छाप जो है, आज मैं ये कहता हूँ 8 अरब लोग अंगूठा छाप है। आज हर एक आदमी का अंगूठे के बिना न पासपोर्ट बनता है, न वीज़ा बनता है, न आधार बनता है। पर मैंने जब शुरू किया था कि मुझे बड़ा प्राउड होता था कि मैं अंगूठा छापूं। साथ में दो कमजोरियां थी मेरी, एक अनपढ़ और दूसरा गरीबी। दोनों को मैंने अपनी ताकत बनाया, दोनों को ताकत बनाया
इसलिए बनाया कि गरीब है तो क्या हो, मांगे तो नहीं तेरे से, चाहिए तो नहीं ना, न उधार चाहिए, न भीख चाहिए, न दान चाहिए। हाँ तो गरीब है तो क्या है, और मेहनत करना कोई काम मैंने छोटा माना ही नहीं आज तक लाइफ में। बूट पॉलिश करना है या करना है मैंने माना ही नहीं, कोई छोटा काम है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो अनपढ़ है तो ठीक है ना, अनपढ़ का आदमी को समझा के बताओ कि ये काम ऐसा है, पढ़े लिखों को समझाना हो तो ये सर जी सर ये सर कर देगा, तो मुझे समझाओ कि हाँ ये काम ऐसा है, मेरे समझ में आ गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, और नहीं आया तो मैं हाई नहीं भरूँ। तो मैंने उसको भी इस रूप में लिया कि मैं अनपढ़ हूँ तो मुझे अच्छे से समझ में आ जाए तो ही मैं हाँ भरूँ, अदरवाइज मैं हाँ नहीं भरूँ। तो ये दौर चल रहा है, अनंत दौर है, बहुत से अग्रवाल ग्रुप आगे से आगे काम करे जा रहा है, बहुत बड़ा संगठन है ये, बहुत बड़ा फैमिली ग्रुप है, हजारों हजार लोग उसमें काम करते हैं। हमारे यहाँ एक विशेष बात ही है कि वो HRD चलता रहता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, चाहे फैक्ट्री हो चाहे स्कूल हो चाहे और हो, टीचरों को पहले सिखाते हैं, सीखी सिखाई को भी सिखाते हैं कि तुम हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, फैक्ट्री में भी सिखाते हैं, स्कूल ग्रुप में भी सिखाते हैं, हाँ कि हमारी पॉलिसी हमारी फिलोसफी हमारी प्रोसीजर हमारा जो तरीका है वो आप अपनाओ और मजे करो, और नहीं अपनाओ तो ठीक है बाजू हटो। तो इस फिलोसफी में ग्लोबल ग्रुप चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 का इस सम्मान समारोह में आमंत्रित करने के लिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।